प्रधानमंत्री मोदी जी ने 22 मार्च को कोरोना के कहर से बचने के लिए पूरे देशवासियों को घर से बाहर न निकलने की अपील की। कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए दरभंगा स्टेशन पर सभी प्रशासनिक पदाधिकारी मेडिकल पदाधिकारी की मौजूदगी थी। बाहर से आए हुए सभी यात्री की मेडिकल जांच की जा रही थी। यहां तक कि बाहर से जितने यात्री स्टेशन पहुंचे सबका नाम और मोबाइल नंबर के साथ कहां से आ रहे हैं उनका एंट्री होता था। कुछ यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सभी टिकट काउंटर बंद पाए गए। दरभंगा के सभी चौक चौराहे रोड और दुकानदारों ने देश हित में लिया गया निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया। यहां तक कि स्टेशन पर नगर निगम की मदद से सैनिटाइजेशन को भी देखने को मिला और फॉगिंग की भी व्यवस्था थी। स्टेशन के समीप एम्बुलेंस की पर्याप्त सुविधा भी उपलब्ध थी। विश्वसनीय सूत्र से और वहां के डॉक्टर ने बताया कि जांच के क्रम में यदि कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजा जाएगा। आज के दिन श्री मोदी जी के अपील को दरभंगा वासियों ने सहर्ष स्वीकारा और आज सारी गतिविधियां सारी विधि व्यवस्था रात 9 बजे तक बंद का असर देखने को मिला। कई दुकानदार ने अपने दुकान के सामने 5 बजे घंटी थाली बजाई। वहीं सुनसान रोड पर मीडिया कर्मी पुलिस प्रशासन और एम्बुलेंस को देखने को मिला। आप देख रहे हैं कि दरभंगा स्टेशन पर प्रशासन किस तरह मुस्तैद है, डॉक्टर की टीम भी कैसे मुस्तैद है। आने वाले हर यात्री का यहाँ पे जांच की जाती है, फिर उसको बाहर किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ साफ सुथरा का भी इस तरह ख्याल रखा गया है। आज 22 मार्च के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज देश हित में यह निर्णय लिया गया, जो कि काफी हद तक कोरोना से हम लोग बच सकते हैं। आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें और आज घर में रहें। यही अखंड भारत की टीम कामना करती है। कैमरामैन जनीश आलम के साथ विनय कुमार की खास रिपोर्ट से हम बात कर रहे हैं और जानेंगे उनको आने में क्या क्या समस्याएं हुई हैं, कहां से वो आ रहे हैं, आखिर क्यों आए हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम अजय कुमार झा हो गया। मैं आपको इंडियन एयर में वर्क करता हूँ। सर सर हमने अपने प्रधानमंत्री ने बताया कि घर जाके सुरक्षित रहिए। सर मैं मानता हूँ ये अच्छी बात है, लेकिन सर गवर्नमेंट ने जब रेलवे चलाई है तो सर फैसिलिटी तो देनी चाहिए। न ट्रेन में कोई टीटी आया, न पानी आया। सर 5 रुपये की बिस्किटें मिल रही थी प्लेटफॉर्म पे, वो बोल रहे थे बिस्कुट दूंगा 10,000 रुपये का फाइन लगेगा। तो सर भूखे आए हम लोग, हमारे इंडियन वासी के पास पैसे हैं लेकिन खाना नहीं खा सकते। सर किस बात का देश सर हमारा? सर कोई सुविधा नहीं, भूखे मर जाए। सर वो कह रहे हैं कि सुरक्षित रहो, सेल्फ रहो। सर खाना खाएंगे तब ना बीमारी से लड़ पाएंगे, हमारे अंदर इम्यूनिटी है नहीं। और दूसरी बात सर प्लेटफॉर्म पर लगेज है सर, एक कूली नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात हमारे मेंबर को घर नहीं आने जाता, कहते हैं कि लाने भी नहीं जा सकते आप क्योंकि आपको कोरोना वायरस नहीं जा सकते स्टेशन से। सर ये कोई फैसिलिटी नहीं है। कहाँ से सर आ रहे हैं? सर कोलकाता से मैं आ रहा हूँ। सर कोलकाता से आ रहे हैं। आपने सुना, एक यात्री का दर्द भी सुना कि आखिर आने में इनको कितनी समस्याएं हुई। ना तो एक कूली मिला, ना ही यहाँ पे उनको खाने का कुछ साधन मिला। भूखे प्यासे आज वो किसी तरह जान बचा के यहाँ पे आ रहे हैं। और भारत न्यूज में विनय कुमार संवाददाता कैमरामैन जनीश आलम के साथ अभी मौजूद है दरभंगा स्टेशन। आप देख सकते हैं यहाँ का नजारा देख सकते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर पूरा देश आज कोरोना से बचने के लिए उसका समर्थन दे रहा है। आज यहाँ के प्रशासन कितने आज स्टेशन पर देख रहे हैं छिड़काव किया जा रहा है। हमारे साथ प्रशासन की कार्रवाई जो हो रही है आप देख सकते हैं। प्रशासन कितना मजबूत है, कितने मुस्तैदी से घूम रहे हैं। आने जाने वाले यात्री जांच करके बाहर किया जा रहा है। बाहर से ट्रेन से यात्री आए हुए हैं उनका मुस्तैदी से जांच किया जा रहा है। हम कैमरा मैन ने जो जगह दिखाए उसके साथ हमारे जांच करके बाहर सभी यात्रियों का यहां पे जांच की जा रही है और जांच के बाद ही उनको आउट किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ सभी प्रशासन नगर निगम के अधिकारी इतना मुस्तैदी के साथ आने वाले सभी पैसेंजर का यहाँ नोट डाउन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कहाँ से कौन आ रहा है, उसकी जांच की जा रही है, कहाँ से आ रहा है, क्या नाम है और मोबाइल नंबर के साथ एंट्री की जा रही है। फिर उनकी जांच के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बाहर से आए हुए हैं ट्रेन से यात्रीगण आए हुए हैं उनकी जांच करने के लिए इनको लाइन में क्रमबद्ध तरीका से खड़ा कर दिया गया है। और हम पूछना चाहेंगे यहाँ जो पैसेंजर है हमारे साथ, यहाँ जो यात्री आए हुए हैं
उनसे हम जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं। सर कहाँ से आप आ रहे हैं? मिजोरम से आ रहे हैं। मिजोरम से आ रहे हैं, क्या उधर क्या समस्या है कोरोना का? कोई समस्या नहीं है लोग, लेकिन चेकिंग हर जगह हो रहा है। करीब मिजोरम में ही चार बार चेकिंग हुआ है, कोलकाता में एयरपोर्ट पर चेक हुआ है, कोलकाता में हुआ है, और जहाँ जहाँ उतर रहे हैं वहाँ चेक हो रहा है, बहुत अच्छा से सब जगह सर्वाइव किया जा रहा है। अभी ये लाइन आगे बढ़ रही है, आप देख सकते हैं, ये लाइन आगे बढ़ते हुए वहाँ डॉक्टर की टीम है, प्रशासन की टीम है, सभी जांच करके फिर यहाँ यात्रा। अखंड भारत न्यूज़ के लिए कैमरामैन जनीस आलम के साथ विनय कुमार की रिपोर्ट, दरभंगा।